फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम मतलब 10 बज रहा है। तो चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और सारा काम ख़त्म हो चुका है लेकिन हमारी पूजा नहीं हुई है। तो आज हम उसी को लगाना है हमें गमले में। तो नहाने के बाद ही ये सारा काम होता है और तुलसी की पूजा भी करनी है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हस्बैंड जो है वो गए थे गांव, तो हमारे गांव का पाइनएप्पल वो लाए हैं। और मैंने आपको शेयर भी किया था वहाँ का पौधा, फल, ये सारी चीज़ दिखाया। लेकिन कैसे होता है घर में और कितना बड़ा होता है और मीठा होता है कि नहीं वो भी दिखाएंगे। पहले माँ को प्रसाद चढ़ा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं और बताते हैं उसका टेस्ट कैसा है। और बाज़ार में और घर में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि वही टेस्ट है, क्योंकि हमने टेस्ट किया है और सेम वही टेस्ट है पाइनएप्पल का जो घर में है हमारा। और मीठा खट्टा तो दोनों है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन सच में ये मेहनत का फल मीठा ही है। और हस्बैंड जी मेहनत करते हैं, पानी देते हैं, और जब भी यहाँ रहते हैं ना क्वार्टर में रहते हैं तो वो उनका ध्यान हमेशा अपने बगान में रहता है, गांव में रहता है। क्योंकि मेरे पौधे मतलब पानी देना है या फिर मिल रहा है या नहीं पानी, यही चिंता करते रहते हैं। और देखिए उनका जो मेहनत था आज उसका रंग भी लाया और मीठा भी फल मिला है। दिखाती हूँ। तो हमारी घर की पूजा तो हुई नहीं है अभी तक, तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको पाइनएप्पल। ये है घर का पाइनएप्पल और इसमें जो ऊपर होता है ना उसको फिर से लगाया गया है, आपको मैं दिखाई थी। और बहुत सारे ऐसे पौधे निकलते हैं इसके ऊपर, तो एक भी हो जाए ना बहुत है। फल खाने के लिए तो टेस्टी लगता ही है, लेकिन फल का जो छिलका उतारना है ना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है मेरे लिए। तो जो भी हो करना तो है ही, तो जल्दी कर लेते हैं। प्रसाद तो हमारा कट हो चुका है, इतने ही प्रसाद चढ़ाएंगे क्योंकि दो जगह प्रसाद चढ़ाना है और इसको ऐसे ही चढ़ा देंगे। अभी हमारी पूजा भी खत्म हो चुकी है और प्रसाद हम खाने वाले हैं, तो आप ही आ जाइए। इसको लेके देते हैं उनको। तो अभी टाइम हो गया था मतलब 11:30 आसपास, मतलब जो लंच का टाइम ही हो गया था, क्योंकि अभी थोड़ा लंच का टाइमिंग में इधर उधर हो रहा है क्योंकि हाँ बेटा। और खाने के बाद हम चलते हैं बाहर और दिखाते हैं। मैंने तुलसी पूजा कर ली है, तो ये हमारा तुलसी। और दिखाते हैं बाहर का व्यू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लगता है ना मतलब स्वर्ग में आ गए, मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। आज कोई डिफरेंट मैं ट्राई कर रही हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं पूरे डिटेल से नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। यदि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सब्ज़ी को उबलने के लिए छोड़ दिया है। बारिश हो रही है, डेली शाम को हो रही है, लेकिन गर्मी वैसा के वैसा ही है। दिन को पूरा एकदम कड़कदार धूप और शाम को पानी, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, तो ऐसे ही चल रहा है। और जो भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडा हो, हर लेडीज़ को तो करना ही करना है। और बिना ड्यूटी का उनको तो छुट्टी भी नहीं होता, भले कोई भी मौसम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा
और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और हमारी बातें तो ख़त्म नहीं हुई है, तो इधर हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो और रात का टाइम था, मैंने कुछ क्लिप ली हुई थी, ये देख सकते हैं कितने सारे बर्ड जा रहे थे रात को, और इतनी रात को बर्ड को उड़ते हुए हमने फर्स्ट बार देखा है, क्योंकि ये काफ़ी रात की बात है, शायद 8 साढ़े 8 की बात है। और पता नहीं कहाँ से जा रहे थे, मुझे लग रहा था ना कि ये जो विदेश में होते हैं ना, मौसम चेंज होता है तो दूसरे देश से आते हैं बर्ड, वही होंगे।